हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज और आरएमएस वैल्यू के बारे में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कई सारे पार्ट्स आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। आज के इस छोटे से पार्ट में मैं बताऊंगा कैसे आप अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज और आरएमएस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखते रहिए। देखिए, अगर मैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई के बारे में बात करूं तो वो कुछ इस फॉर्म की होती है, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा T। दिस इज द अल्टरनेटिंग सप्लाई। इसका अगर कर्व प्लॉट किया जाए तो ये कर्व इस तरह का होता है। अब अगर फुल साइकिल एवरेज कहा जाए इसका, फुल साइकिल एवरेज, तो फुल साइकिल एवरेज का मतलब होता है आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, जीरो से लेकर कैपिटल टी तक। अब ये एवरेज वैल्यू फॉर द कंप्लीट साइकिल रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर कर्व। इंटीग्रेशन हमेशा ग्राफ के नीचे का एरिया रिप्रेजेंट करता है और एरिया अंडर कर्व हम देख सकते हैं फुल साइकिल में जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है, एंड हेंस द एवरेज वैल्यू ओवर द कंप्लीट साइकिल इज जीरो, बिकॉज पॉजिटिव एरिया एंड नेगेटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया प्लस नेगेटिव एरिया, बोथ द एरियाज आर इक्वल एंड हेंस इट्स एवरेज वैल्यू कम्स आउट टू बी जीरो। तो कंप्लीट साइकिल में एक एसी की, एक अल्टरनेटिंग सप्लाई की एवरेज वैल्यू जीरो होती है। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ साइकिल की एवरेज की। केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू क्या होगी या केवल नेगेटिव हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू क्या होगी, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें इसे इंटीग्रेट जीरो से लेकर टी बाई टू तक करना पड़ेगा। अगर हम जीरो से टी बाई टू तक इंटीग्रेट करते हैं तो केवल हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो जाएगा ई की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी जीरो टू टी बाई टू। आप सॉल्व करेंगे इसे तो E नॉट इंटीग्रेशन के बाहर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा जीरो से लेकर टी बाई टू तक अपॉन टी का इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी बाई टू तक। पुटिंग द वैल्यूज वी गेट माइनस E नॉट अपॉन ओमेगा टी बाई टू कॉस ओमेगा अपर लिमिट टी बाई टू माइनस कॉस जीरो। Now we can substitute omega t is equals to 2 pi, sorry, this one नहीं, ये वाला omega t को हमने 2 pi substitute कर दिया और omega t को 2 pi substitute करते हैं तो हमारे पास e के average value आ जाती है 2 e naught by pi, that is 0.63 e naught. This is very important, this is not half cycle average, this is positive or negative half cycle average. क्योंकि half cycle average अगर यहाँ से यहाँ तक का निकाला जाए, यहाँ से यहाँ तक का निकाला जाए तो half cycle average फिर से zero हो जाएगा। हमें सिर्फ positive half cycle या negative half cycle का average कहा जाए तो this is the maximum half cycle average that we can get. Otherwise half cycle average can range from 0 to 0.63 e naught. हाफ साइकिल एवरेज 0 से लेकर 0.63 इनॉट तक आ सकता है, डिपेंड्स आप कौन सी हाफ साइकिल सेलेक्ट करते हैं। अगर हम हाफ साइकिल यहां से यहां तक सेलेक्ट करते हैं तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है, कारण जितना पॉजिटिव यहां है उतना ही नेगेटिव हाफ साइकिल यहां पर। एक और एग्जांपल समझते हैं ट्राइंगुलर वेव की आरएमएस वैल्यू, सॉरी ट्राइंगुलर वेव की एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाए, एवरेज वैल्यू ऑफ ट्राइंगुलर वेव। तो हम देख सकते हैं ट्राइंगुलर वेव लीनियरली बढ़ता है, लीनियरली कम हो रहा है, नेगेटिव साइड में माइनस ई नॉट तक जाता है और पूरी साइकिल कैपिटल टी टाइम तक चलती है। हमें पूछा जाए एवरेज वैल्यू, तो कंप्लीट साइकिल का एवरेज वैल्यू
इज जीरो। अगेन वही कारण है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ साइकिल एवरेज पूछा जाए, पॉजिटिव हाफ साइकिल एवरेज पूछा जाए तो हम ऐसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी फ्रॉम जीरो टू टी बाई टू अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी बाई टू डी टी। नाउ अगेन दिस अगेन रिप्रेजेंट्स एरिया, एरिया अंडर द कर्व। सो हाउ टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व, टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व इट इज वेरी इजी। ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट अपॉन टाइम, सो व्हेन इट कैंसल्स आउट इट कम्स आउट टू बी ई नॉट बाई टू। सो ट्राइंगुलर हाफ वेव, पॉजिटिव हाफ वेव और नेगेटिव हाफ वेव का एवरेज वैल्यू होता है ई नॉट बाई टू। एवरेज वैल्यू के बाद अब हम बात करेंगे आरएमएस वैल्यू के बारे में। आरएमएस वैल्यू डिफरेंट वेव्स की फाइंड करनी है, हम डिस्कस करेंगे साइनोसॉइडल वेव की आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। साइनोसॉइडल वेव साइन वेव या कॉस वेव को कहा जाता है। साइन वेव होती है ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। अब क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू? आरएमएस मींस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इट मीन्स इट इज टू, वी हैव टू टेक द रूट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स, वी हैव टू टेक द अंडर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर, मीन ऑफ द स्क्वायर। यानी हमें एवरेज वैल्यू निकालना है पहले ई स्क्वायर का और फिर उसका रूट लेना है। दिस रिप्रेजेंट्स ई आर एम एस। स्क्वायर किया गया, उसका एवरेज लिया गया और फिर रूट लगाया गया। तो साइन या कोसाइन वेव का कैसे फाइंड करेंगे आरएमएस वैल्यू? तो ई आरएमएस इज इक्वल्स टू अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, जीरो से लेकर टी तक और जीरो से लेकर टी तक। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ई नॉट स्क्वायर को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया जाए, कॉन्स्टेंट टर्म है, ई नॉट आ जाएगा, अंदर रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी जीरो टू टी जीरो टू टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की आइडेंटिटी यूज करते हुए तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। सो ई आर एम एस इन द नेक्स्ट स्टेप कम्स आउट टू बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी डी टी जीरो टू टी। अब ध्यान देंगे हम लोग कि जिस तरह साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू पूरी साइकिल में जीरो होता है, उसी तरह कॉस टू ओमेगा टी का एरिया अंडर कर्व जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये डबल फ्रीक्वेंसी की वेव है कॉस टू ओमेगा टी, तो इसमें भी जितना पॉजिटिव पोर्शन होगा उतना ही नेगेटिव पोर्शन होगा। अगर कॉस ओमेगा टी ये कर्व है, अगर ये कॉस ओमेगा टी है तो साइन टू ओमेगा टी ऐसा आएगा। जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है, नेट एरिया क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा और हमारे पास ई आर एम एस रह जाएगा ई नॉट 1 बाई टू टी अपॉन टी, टी से टी गया, ई नॉट बाय रूट टू, दैट इज 0.707 ई नॉट। दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन और कोसाइन वेव, ई नॉट बाय रूट टू। ई नॉट इज द पीक वैल्यू, सो पीक वैल्यू अपॉन रूट टू इज नोन एज द आरएमएस वैल्यू।
एंड फ्रेंकली स्पीकिंग क्वेश्चन में जो भी हम मीटर्स के थ्रू मेजर करते हैं एसी मीटर्स के थ्रू वो आरएमएस वैल्यू होती है. आरएमएस वैल्यू इज द वैल्यू मेजर्ड बाय वेरियस मीटर्स वेदर दे आर एसी मीटर्स. जब भी कहा गया है कि द करंट इन द एसी सर्किट इज 1 एम्पियर इट मींस द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज 1 एम्पियर. इफ इट इज सेड दैट द वोल्टेज सप्लाई इज 220 वोल्ट इट मींस इट इज द आरएमएस वैल्यू. पीक वैल्यू इज 220 इंटू रूट 2. सो काइंडली पे अटेंशन वाइल डूइंग द क्वेश्चन दैट इट इज गिवन आरएमएस वैल्यू इन द क्वेश्चंस एंड नॉट द पीक वैल्यू. दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन वेव ओनली. साइन वेव की है आरएमएस वैल्यू. दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड. सबसे पहले स्क्वायर करना है इंटीग्रेट करके उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है और ई नॉट बाय रूट 2 आ जाता है. हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट करेंगे वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का एक साइकिल में एवरेज वैल्यू 1/2 होता है. साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज साइन स्क्वायर थीटा और इसका पूरे का वैल्यू कितना आता है 1/2. साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू 1/2 आता है.